गाइस, कल से बारिश लगातार है और रात में एक बार रुकी भी थी, लेकिन फिर से घने बादलों के साथ में, तेज हवाओं के साथ में वही हाल है मौसम का। अभी भी सबसे बारीक वाला झरना शुरू है, लेकिन बच्चों को एग्जाम देने के लिए तो जाना ही है। काई काई लगी, गिल्ला रह के, और इस वाली छत पे भी पानी भर जाओ। मैं जाने से पहले ही ड्रेस गिल्ली कर ली है। कैसे भर रही थी तू बोतल? पापा जी वहाँ पे बोतल भर रही थी। अब तो लाइट भी नहीं आ रही, जैसे स्प्रे सी फेर दूं। मम्मी जी मैं सूट अभी थोड़ी आदत पड़ी, मुझे बस सूट पहनने की। हो जाएगा तो सूख जाएगा, चल कोई बात नहीं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और बच्चे तैयार हैं स्कूल में जाने के लिए सारे के सारे। इन्होंने नाश्ता भी कर लिया, बस आरुस रह रहा। आज बनाए थे प्याज के पराठे जो काफ़ी दिनों बाद बने और इन्हें काफ़ी टेस्टी लगे। इधर सुबह की इनकी एक कप चाय और बेड की पिनिक बंद कर दी इन्होंने। पहले ये लहसुन अदरक इन सब चीजों का यूज करें, खाए जाओ पहले गर्म पानी के साथ में, और तुरंत उसके एक घंटा बाद तुरंत एक घंटा बाद फिर चाय पिए जा। आजा भाई, कर लिया क्या नाश्ता? तो भाई पता नहीं कौन से इंजन की बात कर रहा है। हाँ, जेट इंजन तक भी बड़ा इंजन लगा रहा। अरे बस तू तो रहने देगा रारुज, जेट इंजन बता रहा तू भी, तो मान जा। क्या रखा था अपने लंच में? टमाटो चकली है ना, टमाटो चकली। कहीं का पेपर है तेरा? मैथ्स। चली भी जानू तो पता रहने लगा कहीं का पेपर है तेरा। तैयारी अच्छी बढ़िया से करके आना आराम से, सारे क्वेश्चन और राइटिंग भी साफ होनी चाहिए। कभी चेक कर कंप्यूटर पे जाके पीटीएम में, ठीक है? और जो उसमें मिस्टेक मिली ना, पिटाई होगी। ठीक है, राइटिंग बढ़िया से। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे स्कूल में चले गए, तब उसके बाद में बूंदाबांदी फिर से शुरू हो चुकी है और हमारी गाय और भैंस बारी बांध रखी। आज उन्हें नहलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी मैंने मशीन लगा दी, कपड़े धुल रहे हैं पहली बार के, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो सबसे पहले डाल दिए, और कमरों में जो है संगवा भी दिया। सामान इधर उधर पड़ा हुआ रहता है तो वो सारा सामान रख दिया साइड में जहाँ पर व्यवस्थित तरीके से लगे। तो भाई अभी मैं करूँगी झाड़ू पोछा, साथ ही साथ ही मेरे जो है दोनों काम निपटते जाएंगे, कपड़ों की धुलाई भी और जी क्या नाम साफ सफाई भी घर की। तो एक चारपाई यहाँ से हटा देंगे, एक वहाँ पे बरामदे में खड़ी कर देंगे, और बाहर ना बर्तन हमारे लोहे के तवे रखे, वो कढ़ाई रखी, तो ये सब जो है अंदर रखने पड़ेंगे। माँ ना चूल्हे पर वो डगरी तसला, सुबह के टाइम तसले में कूड़ा काड़ा ये सब चीज़ें बाहर डालनी ना, तो वो खली करके धो के वो सारी हरे और चूल्हे जो है अभी ढक देंगे। तो ये छाता लेकर तैयार है भाई, कपड़े धो तो दिए, अब सुखाने का जो है कठिन काम बाकी है। सूखेंगे कहाँ, बारिश चल रही, देखो तीसरा दिन है आज, लगातार सी चल रही है, थोड़ी बहुत देर रुके धूप फिर भी निकलती। तो ये लग गई भादों की जड़ी, पहली बार देखी तन है, पहली बार ही देखे ऐसा है क्या? पिछले चार सावन में उसमें हो गई थी, बताओ। अच्छा, इन दिनों पहली बार देख, इन दिनों तो ठंडी ठंडी सी हवा ही चलो जाओ बस। तो बारिश नहीं हो रही है, झरना पड़ रहा है, झरना बारीक बारीक झरना पड़ रहा, बहुत तगड़े वाली बारिश नहीं होती, इतनी इतनी बारिश में तो बाढ़ आ जा। तो यो है इतना बड़ा टब, अब इसे ले जाना भी एक चुनौती है, इसे कैसे ले जाएंगे? हैं, इसे दोनों जने पकड़ के ले जाएंगे, किस वालो से? दोनों जने? हाँ। लो तो भाई देखो किस के जा, दोनों जने कैसे पकड़ेंगे, एक एक तरफ से। हाँ। चल पकड़, अब तुम भिगोगे नहीं। जब बाहर को निकले तो और भी तेज तेज सी शुरू हो जाओ बारिश आनी। ठीक लग रहा आपको? कैसे ठीक लगेगा, सिर पे इतना वजन रखा, किसको ठीक लग जाएगा ऐसे? अच्छा जी, वो कह रही ठीक लग रहा, देखिए ठीक लगा रहेगा सिर पे वजन रख के। हल्की हल्की बारिश के बीच ये आ गई यहाँ पे बागवानी का जायजा लेने, और कीड़े इनमें लग रहे भाई, ये कीट पतंगे ये तो बारिश में भी नहीं भीग रहे हैं, इन्हें बारिश से भी डर नहीं लग रहा। ये कहे तंग डरते, ये तो बस उस तक खट्टी छाते ही डरेंगे। हाँ। और ये कह रही है यहाँ पे कि तोरी तोड़ लें क्या? तोरी तो मुझे लगा किसी ने तोड़ ली है, लगी हुई है, तोड़ी नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि भाई ये सब्जी का भी काम करते ले चलेंगे यहाँ पे,
और बारिश का आनंद ले रही है यहाँ पर बागवानी के बीच में। पेड़ पौधों को भी देख रहे हैं कौन सा कद्दू, चलो जो कुछ भी होगा जो भी राम जी देगा। एक कद्दू लग रहा है भाई छोटा सा, ये कह रही है हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मगर भाई नो तो मुझे भी नहीं पता हो जाएगा या नहीं। ये है भाई देखो, और इधर से ये पत्तों के पीछे छुप रहा अपने आप ही ताकि नज़र ना लगे किसी की, हमें भी कमी दिख गई हो। और कीचड़ जो हो रहा चप्पल निकाल के बढ़िया इसमें, कभी पता लगे वहीं जाम होगी और मुझे काटनी पड़े फिर। अब रखेगी कायम है कुछ लाई ठाक है कुछ पन्नी उन्नी लाई कुछ नहीं, लो तोरी तोड़नी शुरू कर दी इसने, छाता लेकर घुस रही इसके बीच में भी, और छाता भी ना तोड़ दिए कभी से उड़ जाते कहीं छाते की ताड़ी वाड़ी तोड़ दो कुछ कभी। और भाई मन्ने देखो ये प्लास्टिक के कट्टे का चोट बना लिया, इसे रख लिया तो वैसे ऊपर ऊपर से बच रहा सिर सिर मेरा, और पैरों में जो है मैं नीचे तक के पैंट पहन ही नहीं रहा, जो भीगूंगा पैर भीग लेंगे। मैं पकड़ू इन्हें और ये पकड़ा की वजह भाई चल ले, और छोटी तो तोड़िए ना कपड़े नहीं भीगेंगे, और जब इसमें बढ़ रही है तो अल्ले में और बारिश में घूम रही है। हेलो जी, दोपहर की सब्जी का भी काम करते ले चलेंगे, बैंगन तोड़ लिए थे कल बैंगन की सब्जी बनाई थी भाई, तो हर वैरायटी का बैंगन था उसमें, हरा भी था बैंगनी भी था सफ़ेद भी था, और बैंगनी में एक गोल था और लंबे टाइप के थे, तो चार टाइप के बैंगन थे, और यहाँ टोटल वैरायटी 5 है बैंगन की। सफ़ेद बैंगन में 2 वैरायटी है, एक गोल है और एक थोड़ा सा लंबा जाता है, तो ये वाली काई भी लग रही नीचे जहाँ तो खड़ी देख कर ये काम को तो बरसात के सीजन का बरसात के मौसम का यहाँ पे आनंद लेते हुए और अपनी बागवानी में तो सब्जी तोड़ते हुए। बस इतनी तोड़ियों में बाकी छोटी जो हैं, हाँ जो छोटी हैं मैंने तोड़ी है, कल परसों में तोड़ लेंगे वे बढ़ जाएंगी फिर, ये तो बहुत है। मगर ऐसे मौसम में तो महंगा ही हो जाए सब्जियों पे भी, तो ये तो बहुत है। हाँ बहुत हो जाएंगे तो। हाँ महंगा तो हो जाए सब्जी का 1-2 दिन के लिए, हाँ। क्योंकि सप्लाई बंद हो जाए खेतों में से टूटती नहीं कहाँ। हेलो चप्पल छोड़िए वहीं पर। और भाई सेब के पौधे में हमारे फूट तो चल गई, बाकी देखते हैं ये कितनी ग्रो कर पाएगा। खाद पानी जो है इसमें देसी वाला वो बहुत अच्छा डाल रखा है इनकी जड़ों में मैंने, पीली रेत और गोबर की खाद पुराने वाली, और इसके भी नींबू के पौधे की जड़ में भी। ये पालक का खेत तैयार करा था लेकिन बारिश ने इतना मौका नहीं दिया भाई कि इसमें हम कुछ बो सकें, और जो गोभी लगाई थी ना मैंने परसों शाम के टाइम में लगाई थी, तब से बारिश हो रही लगातार और पता नहीं ये ख़राब होंगी या बची रहेंगी, इनका मुझे पता नहीं है ज़्यादा कुछ। देखो इनमें फुल एकदम तराई वाला क्षेत्र बना हुआ है यहाँ पर, तो इनका अंदाज़ा मुझे कुछ है नहीं भाई, न इस बारे में जानकारी है कि लगाते अगर ज़्यादा बारिश हो जाए। वैसे तो ये डोल पर लगी हुई है, खराब तो होनी नहीं चाहिए। दोपहर की सब्जी का इंतजाम कर लिया भाई, देखो कुछ इसके हाथ में कुछ मेरे, चल लाइन इन्हें रखा हूँ पहले हैं। तो भाई कलश यात्रा निकल रही है गांव में, राम कथा स्टार्ट होने जा रही है आज से, और भाई संजय ड्राइवर जो है सबसे पहला रथ ले रहे हैं, सबसे आगे डीजे वीजे बजा के एकदम बढ़िया था। तो भाई कलश यात्रा यहाँ तक है, और ये रामकथा वाचक पीछे बैठे हैं जो महाराज जी, बूंद बारिश के बीच निकलती हुई शोभा यात्रा कलश यात्रा, और आज से है शुरू रामकथा, यहाँ के मंदिर में हर साल होती है और आज से है इसकी शुरुआत। तो गाइज कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, पट्टी बंधवा रखी कितने दिन से, और 2 दिन पहले भी डाल के गई थी, बस कल ही तो नहीं धुए बीच में, तो ये दोनों पट्टियाँ भर गई एक बार हैं और ये सूख गए, इन्हें घर लेके जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो भीग जाएंगे, जब बारिश रुकेगी तब लेके जाऊंगी, इन्हें इकट्ठे करके रख दिए और बाहर वाली पट्टी में भी सुखा दिए। इधर आज हमारा
गेहूँ पिस रहा है थोड़ा सा, क्योंकि आटा जो है चने वाला ज़्यादा रह गया और वो सिंपल वाला गेहूँ का आटा वो ख़त्म हो गया, तो इसलिए मिक्स करके रोटी बनाते हैं ना चने के आटे की और सिंपल गेहूँ की, तो ये वाला जो है पिस जाएगा थोड़ा। हम माने बिना धोए जो है आज छाछ से कर दिया था, साफ सूप है। और देखो धोने का इसका नंबर नहीं आया क्योंकि आज फिर हमें कहीं जाना है, वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। और अभी इसीलिए बारिश के भरोसे में गाड़ी को छोड़ रखा है, ऐसे कवर भी नहीं डाला इन्होंने। आज से हमारे गांव में भी राम कथा शुरू हो जाएगी। और गाइस जैसे हम लोग आए थे, मैं छाता ले गए और ये टब ले गए, और इन्होंने टब में ही रख लिया है सारी तुरई। अब चल दिए हैं वापस कपड़े सुखाने के बाद में फिर से अपने घर के काम देखेंगे। और 12 बज चुके हैं, बच्चों के भी स्कूल में से आने का टाइम हो रहा, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। मन्ना कहा मगा मैं लेके चलूँगा इसे टब को, मैं धर लूँगी सिर पर। नू कहा तेरा हाथ छोटा है पकड़ जाने का तेरे पे। मन्ना कहा जैसी आपकी मर्जी। और क्या ही ना मां लग रहा आज टब ले जाने का।